नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों। हनी ट्रैप मामले में वरुण गांधी की सफाई, सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। अमेरिकी विसल ब्लोअर ने कहा था, आम जिलर अभिषेक वर्मा ने हनी ट्रैप में फंसाकर वरुण गांधी से ली थी डिफेंस की खुफिया जानकारी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुबह करीब 9:30 बजे से हो रही है फायरिंग। गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान घायल। राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रोहित छिल्लर ने पत्नी ललिता की खुदकुशी के मामले में वीडियो के जरिए दी सफाई, खुद को बताया बेबुनियाद। ललिता के परिवार ने रोहित और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज हत्या का केस कराया है दर्ज। बर्ड फ्लू के साए में राजधानी, गोपाल राय करेंगे गाजीपुर मुर्गा मंडी और डियर पार्क का निरीक्षण। मुर्गियों के मरने का सिलसिला है जारी। लापता छात्र नजीब अहमद को लेकर नहीं थम रहा छात्रों के धरना प्रदर्शन का दौर। जेएनयू में देर रात स्टूडेंट्स ने निकाला मार्च। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। ब्रिटेन से कहा, भारत कश्मीर में करता है अत्याचार। इस मुद्दे पर समाधान के लिए ब्रिटेन सरकार से मांगी मदद। कबड्डी विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज। एशियाई खेलों की उपविजेता टीम ईरान से भिड़ेगी दक्षिण कोरिया की टीम। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।